वो अपने हक को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये स्क्रिप्ट नहीं है। आता है इतना दुख बढ़ जाता है जब तो भगवान भी उतर कर आ जाते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बच्ची है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो जी, यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है तो बात करते हैं कुछ ऐसे ही इन्फ्लुएंसर की जो कि सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं अपनी आपबीती। तो जिनके पास तो जरिया है सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती दिखाने का, बताने का, लेकिन पता नहीं कितनी बहुतेरी ऐसी औरतें होंगी, ऐसी लड़कियां होंगी जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठाना, अगर उठाना चाहती हैं तो नहीं उठा सकती हैं। ये मेरा कहने का मकसद था। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया आजकल एक इतनी बड़ी ताकत बनकर सामने उभरा है कि आप अपनी आवाज़ जो है कि सोशल मीडिया पर अगर उठाते हो तो वो घर घर तक पहुँच जाती है, वो जन जन तक पहुँच जाती है कि आपके लिए आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं आपके अपने सपोर्टर्स। क्योंकि आपके कई बार होता है ना कि आपके प्रताड़ित किया जाता है आपके अपने की ही ओर से, लेकिन आप चुप रह जाते हो, कहीं ना कहीं इमोशनली आप उनके साथ जुड़े हुए होते हो, आप चुप कर जाते हो कि नहीं हमारे घर की बात है, बाहर जाएगी तो दुनिया क्या कहेगी। तो ये वही दुनिया है वो जो आज जानना चाहती हैं कि एक्चुअली में अगर कोई लड़की मतलब सह रही है तो वो क्यों सह रही है। तो वो एक एग्जाम्पल सेट करे और सोशल मीडिया पर आकर अपनी आवाज़ उठाए और बताए कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, आगे आप लोगों के साथ ऐसा कभी ना हो, उसके लिए वो अवेयर करे आज की औरतों को, आज की लड़कियों को। तो कुछ ऐसा ही करा है सपना ने। सपना अपने घर में सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, हिम्मत तो उसने जभी भी नहीं हारी थी कि जब उसके साथ ऐसा हुआ था सूरज जी के समय में, उसके साथ इतनी मार कुटाई हुई थी। अब भूल जाते हैं उन बातों को, सपना ने भी भुलाने की कोशिश की है, उसके दिल में जो घुटन थी, भड़ास थी, मैंने अभी अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, वही उसने निकाली है। तो वो एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है जिसने आवाज़ उठाई है और विद प्रूफ उठाई है, लेकिन वो वहाँ पर ये भी दर्द समझती है कि उसके सास ससुर का भी क्या दर्द है। लेकिन हाँ, वो गुस्से में थी, उसकी नाराज़गी जो है सोशल मीडिया पर आज विद प्रूफ जो है सामने निकल कर आई, उसकी नाराज़गी है, उसकी नाराज़गी बनती भी है। उसके सास ससुर की क्या नाराज़गी रही है ये उनके अंदरूनी घर के मामले हैं, उसकी बात तो ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लोग जो हैं सोशल मीडिया पर नहीं। सपना ने जब जब उनका साथ मांगा, जब जब उनसे सपोर्ट मांगी, आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, घर की नहीं मुझे पता क्या है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके ससुर ने भी उसका साथ दिया है। वो पुलिस स्टेशन पर भी जब सपना के साथ गए थे, जब फेक आईडी से जो है कुछ वीडियोज़ बनती थी जहाँ ऐसे ऐसे कॉमेंट आते थे। आज सपना को हम सबकी बहुत ही ज़रूरत है, हमारे सबके साथ की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और हम सब उसके साथ जरूर से खड़े हैं, क्योंकि उसको अपने जीना है, अपनी बच्चियों के लिए जीना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने बच्चों के लिए बढ़ना है। और एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लेती है, वो बिल्कुल भी ये सहन नहीं करेंगी कि उनकी बच्चियों का हक कोई छीन कर ले जाए, फिर वो कोई भी बना रहे, वो अपनी बच्चियों की सेफ्टी के लिए ज़रूर से उसके हक के लिए वो लड़ेंगी। यहाँ पर मैं बात कर रही थी सपना और सपना के सास ससुर की। सपना ऊपर रहती हैं, सास ससुर नीचे रहते हैं, खाना बनाने वाली भी लगी हुई है, लेकिन जब जब सपना को इमोशनली ज़रूरत पड़ी थी तो उसके सास ससुर उसके साथ नहीं थे। ऐसा सपना का जब पैर टूटा था, जब भी फ्रैक्चर हुआ था, जब भी हम लोगों ने देखा है, क्योंकि सपना ने ही बताया, हम लोगों को वैसे कैसे पता लगेगा, नहीं ना पता लगेगा। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है कि आप अपने हक की बात, अपने हक की आवाज़ यहाँ पर उठा सकते हो। नहीं तो कुछ एक लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं, सपना ने जितना झेला, जितना सहा, कोई इतना सह नहीं सकता। मैंने अभी भी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसी इन्फ्लुएंसर है जिनके लिए हम लोगों ने बात भी करी थी कि उनके घर में अगर किचन में सास ने जाने से मना कर दिया, जहाँ किसी रीज़न से मना किया, किस वजह से मना किया, ये तो उसने कभी नहीं बताया था, लेकिन उसने
घर छोड़ दिया 9 मंथ प्रेगनेंसी में। उसको एक अच्छी फैसिलिटी वहाँ पर मिली थी, वो बड़े अच्छे से अपने बच्चे, मतलब कि जब कहते हैं ना प्रेगनेंसी में ज़रूरत होती है इमोशनली सपोर्ट की, तो वो सपोर्ट उसको ससुराल वालों की तरफ से मिला था, मायके वालों की तरफ से नहीं मिला था, क्योंकि वो मायके तो जाती ही नहीं थी। अगर वो जाती भी थी तो उसकी मदर जो है वो वर्किंग वूमेन थी, सो वो छुट्टियां नहीं ले पाती थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जी उसकी ना ससुराल वालों से बनी, ना उसकी अपने मायके वालों से बनती है, क्योंकि वो काम से भी जी चुराती है, है ना। मैं यहाँ पर किसकी बात करती हूँ वो सब आप लोगों को पता है, लेकिन सपना का कंपैरिजन मैं बताना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में, उसके साथ ना किया जाए, यानी कि पुतन के साथ तो बिल्कुल भी ना किया जाए। क्योंकि सपना ने जहाँ पर ये कर दिखाया कि मायके वालों ने जब राजवीर जी एक्सपायर कर गए थे, तो जी भाई की बेटी की बर्थडे थी बेटे की, तो उस समय जो है उसकी मदर ने, मतलब कि प्रॉपर एक वीडियो उन्होंने बनाया था केक कटिंग का, फिर बोला था एक छोटा सा केक ही तो कट किया था, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपकी बेटी का सुहाग उजड़ गया, तो आप जो है वहाँ पर केक कटिंग कर रहे हो। अभी कुछ दिन ही हुए थे, ये भी नहीं कि 6-7 महीने हो गए या साल हो गया, आपके घर का दामाद चला गया, दो दामाद चले गए, तो आप केक कटिंग कर रहे हो। तो उस बात के लिए जहाँ पर व्यूअर्स सब्सक्राइबर नाराज थे, और वहाँ पर सपना भी नाराज रही है, ऐसा 1 महीने पहले का वीडियो भी आप सपना का देख सकते हो, जिसने उसमें बताया कि 5 महीने तक उसने अपनी माँ से बात नहीं की, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, उस बच्ची को इतना पता है कौन गलत है कौन सही है। उस समय वो अपने इन लॉज के साथ खड़ी रही, क्योंकि सच के साथ वो खड़ी रही। तो पुत्तन के साथ कभी भी कंपैरिजन ना करें, पुत्तन ने हमेशा शर्मिंदगी दिलाई है अपने मायके वालों को भी और अपने ससुराल वालों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुत्तन के लिए यही कहना चाहती हूँ कि उसके लिए बिल्कुल भी, हमारे लिए तो भाई हम स्पीचलेस हैं, 9 वर्ड्स उसकी किसी के साथ नहीं बनती, क्योंकि वो एक दो लोगों के खाने बनाने में भी उसकी तो क्या ही कहे, थक जाती है बहुत ही। चलिए सबका शरीर अपना अपना होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर आप अपनी धज्जियाँ उड़ा दें अपने मायके वालों की और ससुराल वालों की। यहाँ पर सपना के हाथ में अगर हुनर है कि वो स्टिचिंग करना जानती, अगर यूट्यूब नहीं भी रहा तो वो कैसे अपनी बच्चियों को पाल सकती है। लेकिन वहाँ पर पुत्तन के पास क्या हुनर है, कुछ भी नहीं, ना वो खाना बनाना अच्छा जानती है, ठीक है, ना उसके पास कोई हुनर है कि वो ये कर लेगी या वो कर लेगी। पढ़े लिखे होना ना पढ़े लिखा होना ज़्यादा अच्छा है, जितना वो पढ़ी लिखी है, लेकिन डंप है वो। सो कंपैरिजन ना करें। यहाँ तो मैं बात अभी सपना के लिए ही कर रही हूँ, सपना अभी ठीक है, वो जल्दी ही आप लोगों के सामने आएगी, डेली व्लॉगिंग भी लेकर आएगी, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन मैं हैरान हूँ एक बात पर कि सपना को बड़े बड़े यूट्यूबर का जहाँ साथ मिला, सपोर्ट मिला, मेरे पास भी स्क्रीनशॉट है, तो सचिन जी वहाँ पर जाकर उन्होंने कमेंट किया, लखनीत ने वहाँ पर कमेंट किया, लखनीत के 4.4 के लाइक भी हैं वहाँ पर, लोगों ने कमेंट्स में भी रिप्लाई में भी दे रखा है ना। और वहाँ पर सरिता जेठू जी भी गई हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर का जहाँ पर सपना को सपोर्ट मिला है, वहाँ पर बहुत सारे हेटर्स भी ऐसे आ गए कि फेक आईडी से आके सपना को बहुत हेट भी दे रहे हैं, हेट भी मिल रहा है उसको, तो समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पर उसके इतने व्यूज़ गेन हो रहे थे, इतने चल रहे थे उसके एपिसोड, आफ्टर राजवीर जी के जाने के बाद भी, राजवीर के जी के होते भी चल रहे थे उनके बहुत अच्छे वीडियोस, लेकिन उनके जाने बाद भी सपना ने पूरी मेहनत करी है इस चैनल पर, वो अपने चैनल को ग्रो कर रही थी, लेकिन सडन मैं देख रही हूँ उसके व्यूज़ अभी, जो उसने इतनी हिम्मत करके अपने दिल की भड़ास निकाली, अपना वो कहते ना अंदर से जो भी तुम्हारे हैं वो दबाकर मत रखो, निकाल दो, तभी तुम अपने आप को हल्का महसूस करोगे और ज़िंदगी के सही फैसले ले पाओगे। तो वो जब बात उसने सबके सामने सोशल मीडिया पर लाकर रखी है ना, तो व्यूज़ आप देख सकते हो कि उसके वहाँ पर रुक गए। ये जब ही होता है जब बहुत सारे लोग अपनी अपनी फेक आईडी से रिपोर्ट करते हैं, या फिर पता नहीं क्या डिसलाइक करा है, क्या करा है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ सपना के व्यूज़ स्टिल रुक गए हैं। सपना एक बार फिर से सामने आएगी, वो मेहनती लड़की है, वो मेहनत करेगी, अपने चैनल को ग्रो करेगी, ठीक है, तो उसको सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग उसका सपोर्ट बने, है ना। और बहुत लड़कियों के लिए जो कहते हैं ना, वो तो कम पढ़ी लिखी है लेकिन उसके हाथ में हुनर है, जिसके हाथ में हुनर है वो कभी
भूखा नहीं मरता, वो अपने साथ 10 लोगों का पेट पाल देगा। पुतन तो कहने भर की बातें, 10 बच्चा पाल लूंगी, वो तो लाइव कर सकती और कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसका कंपैरिजन कभी भी सपना के साथ इस मेहनती लड़की के साथ मत करें, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सपना ने कहा था कि मैं ही अपने सास ससुर का बेटा हूँ, मैं ही इनकी बहू हूँ और मैं ये सब जिम्मेदारी उठाऊँगी और मैं करके दिखाऊँगी, और वो करके भी रहेगी। लेकिन सास ससुर को भी उसको बेटा मानना चाहिए, अपने घर की इज्जत माननी चाहिए, बहू मानकर अच्छे से उसको रखना चाहिए। अब वही आपकी ज़िंदगी है, उसकी बच्चियाँ ही आपकी ज़िंदगी हैं, आपकी जिम्मेदारी हैं वो भी, और उनकी जिम्मेदारी आप। तो जी मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि सपना के दिल की जो भड़ास निकली है, सबर का जो उसका बांध टूटा है ना, तो वो भी निकलना ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि वो आप सबको अपना मानती है, उसने ये चीज़ बोला है कि मेरी YT फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, है ना, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, तो मेरी YT फैमिली मेरे लिए सब कुछ है जिनकी वजह से आज मैं हूँ, है ना। तो उसके सपोर्ट में आप लोग आइए सामने, आपको जो भी कहना है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी अपनी राय जरूर से रखें। सपना के लिए जो लोग हेट फैलाते हैं उनको कड़े शब्दों में आप रिप्लाई दें, और सपना से भी मैं कहना चाहूँगी कि कड़े शब्दों में उनका रिप्लाई दें ताकि उन लोगों के मुंह बंद हो, क्योंकि ये सपना के व्यूअर्स जहाँ फिर कह दें कि व्यूअर्स तो नहीं हो सकते, ये किसी के भी व्यूअर्स नहीं हो सकते, है ना। तो अंधभक्त ना बने, मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो सपना है, चाहे कोई और है, अंधभक्त ना बने। जो सच है अपने हिसाब से वो देखें समझें, जो सही है वही कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखाया बहुत कुछ जाता है लेकिन पर्दे के पीछे का सच एक्चुअली में कुछ और होता है, वो नहीं बताया जा सकता। ये भी नहीं कि पारिवारिक मामला है, ठीक है, सपना के दिल की जो भड़ास थी वो सबके सामने निकल गई, वो निकलनी भी ज़रूरी थी, एक महीने से ये सारी चीज़ें चली आ रही थी, लेकिन अभी हम लोगों ने क्यों बोलना शुरू किया, क्योंकि सपना ने वो ऑडियो क्लिप सबको सुनाई, वो प्रूफ के तौर पर सबको सुनाई, है ना। तो इसलिए कि बहुत ज़रूरी था उस बच्ची को रोते हुए देखना, उसको वो ऑडियो में चीखते हुए सुनना कि निकल जाओ बाहर कमरे से, लेकिन फिर भी उसका मुंह दबाकर उसको, मतलब प्रेग्नेंट लेडी है, मार पिटाई कहीं कोई जायज़ नहीं है कि आप अगर कोई बोल रहा है, कहा जाता है कि ज़ुबान बहुत चलती है, तो ज़ुबान तो उनकी भी थी, सूरज जी भी बोल सकते थे, तुझे हाथ चलाकी करने की क्या ज़रूरत थी, ये मार कुटाई करने की क्या ज़रूरत थी, परिवार वाले दोनों आपस में बैठते हो तो उस समस्या का हल निकलता ना। तो अभी भी परिवार वाले साथ बैठेंगे उस समस्या का हल निकालेंगे, तो अपने रिश्तों को बहुत सहेज कर चले, और सपना कहीं नहीं जाएगी, ये मैं लास्ट 3 दिन से अपने वीडियो में बता भी रही हूँ। वो इस घर में ब्याह कर आई थी, 2 बार ब्याह कर आई है इस घर में, तो वो इस घर में जहाँ पर उसने ऐसी नरक भरी ज़िंदगी भी जी है, तो वहाँ पर उसके खुशी के पल भी उसने जिए हैं, बिताए हैं, है ना। तो वो इस घर से कड़वी और अच्छी बुरी सब जादों के साथ वो यहीं रहेगी, वो अपने हक को कभी नहीं छोड़ेगी, और इस घर को छोड़कर वो कभी भी नहीं जाएगी, कहीं अदर और जगह शिफ्ट होने का तो कोई मतलब भी नहीं बनता। अगर उसको शिफ्ट होना ही था, वो जब ही हो जाती और दूर रहकर भी हक की अपनी लड़ाई लड़ सकती थी, जब उसके साथ ऐसे सूरज जी की ओर से मार पिटाई हो रही थी तो। लेकिन जब उसके पास सपोर्ट नहीं था किसी का, है ना, करने को तो वो राजवीर जी के जाने के बाद भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो हिम्मत वाली लड़की है, वो एक नारी शक्ति बनके ही उभरी है, सबके सामने आई है, बड़ी हिम्मत दिखाई है, अपनी बीमारी भी उसकी जब ही ठीक होगी, जब वो अपने दिल का गुबार निकाल देगी, एक बार चीख चीख के अच्छे से वो रोना चाहती है तो वो रो ले, वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगी। अभी फ़िलहाल वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब में वो घुस गई है, क्योंकि आपको भी पता है उसके साथ हादसा इतना बड़ा हुआ, लेकिन वो नारी शक्ति बनकर सबके सामने आएगी, आवाज़ उसने आज उठाई अपने बच्चियों के हक के लिए, तो भाई अभी वो ठीक है, बिल्कुल सही है, वो सेफ है, वो अपने उसी घर में है, है ना। तो बाकी यही है कि सपना का एक तरह से मैसेज है उन लड़कियों के लिए, दबी छुपी जुबान में कह दें या फिर कह दें कि खुलकर उसने जो ऐलान किया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ऐसी बोतेरी मेरे पास कमेंट भी आए, कईयों ने तो कमेंट करके डिलीट भी कर दिए, लेकिन डिलीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमारे पास रहते हैं कमेंट, जिन्होंने बोला कि 19 साल तक बहुत ही प्यारी व्यूअर्स है मेरी, तो उन्होंने लिखा कि
मेरे साथ भाई ऐसा 19 साल तक होता रहा, लेकिन अभी कम है। तो भाई अगर कोई सोशल मीडिया पर नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी के आप मालिक हो, आपको पूरा जीने का हक है। लेकिन कहते ना एक मर्यादा तक ही आप सहन करो, लेकिन नहीं, इतना सहन करने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना कोई प्रताड़ित करता है। वो गुनहगार है तो सहने वाला भी गुनहगार है। तो सपना ने भी सहा तो वो उसका गुनाह कह दें या जो भी है, ठीक है, लेकिन अब नहीं, बस अब और नहीं। आप लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, आपको पूरा हक है कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, हम लोगों की आपसी नहीं बन सकती, हस्बैंड वाइफ की है ना, आपसी सोच नहीं एक जैसी है ना, वहाँ पर साइलेंटली सेपरेट हो जाओ, दुनिया को तमाशा ना दिखाकर। लेकिन सपना का सीन अलग है। तो ये पुत्तन के मामले में भी हमने कहा था कि जलील ना करें ससुराल वालों को, तो चुपचाप डाइवोर्स लोगों के होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, लेकिन इतना तमाशा मत बना। एक वायलेंस का केस लगाया है नन्नू के ऊपर, जैसे पुत्र ने, कहते ना वायलेंस इसको कहते हैं जो सपना के साथ हुआ, ठीक है। तो यही था मेरा कहना, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में प्लीज खुलकर अपनी बात रखें। मैं हैरान हूँ, लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं। वीडियो के रिलेटेड जो आपने इस वीडियो में देखा, क्या आप मेरे सभी, कहते ना, विचारों से सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी हैं, आप प्लीज़ अपने जो भी विचार हैं व्यक्त करिए अपने कमेंट सेक्शन में। तो मैं ये चीज़ भी आप लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इतना मत झेलिए कि आपके सब्र का बांध ही टूट जाए, है ना। तो सब्र करना अच्छी बात है, लेकिन इसमें नहीं कि आप किसी के मतलब जानवरों की तरह आप कूटे जाओ। जानवर भी कब तक सहेंगे, आखिर वो भी पलट के काट लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं। तो हम लोगों ने भी जब वो सब सुनी है ऑडियो, तो दिमाग पर हम लोगों की भी बहुत टेंशन रही है। तो अभी भी कहीं ना कहीं कानों में वो गूंजती है कि कैसे सपना रोकर चिल्ला रही है, बोल रही है, निकल जाने को बोल रही है, सूरज जी को कमरे से बाहर निकल जाने को बोल रही है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर गई है ना। तो वो चीज़ें जब भी सहन नहीं करनी चाहिए थी सपना को, पर उसकी मजबूरी थी कि उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, चाहे वो मायके वाले तो चाहे ससुराल वाले, है ना। तो ये सारी बातें हैं, सपना को मजबूत बना गई हैं उसके ही अपने हालात। तो उससे देखकर ही सब लोगों को सीख लेनी चाहिए कि नहीं, बस अब और नहीं, ठीक है जी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।